नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुना दाग विजन और मैं हूं आपके साथ अंजलि खजूरिया। हम इस टाइम मौजूद हैं जख में और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का लगातार कार्य जो वो गति पर है और जैसे कि सब जगहों पर जो कुछ जगह है जो रोड में आ रही है, इसी तरह यहां पर भी कार्य जो वो चल रहा था। ये जो जख का तालाब जो वो देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो तालाब है ये आधा हिस्सा जो है रोड में आने वाला है। इसी तरह यहाँ पर लेबर जो वो वर्कर्स काम कर रहे थे और उन्होंने यहाँ से कुछ वेपन जो वो पाया गया है, आखिरकार कौन सा वो मटेरियल है वो अभी तक फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पता कि आखिरकार ये किसकी साजिश है, क्या ये पाकिस्तान की हम समझे कि उनकी साजिश नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। हम आपको पीछे का माहौल जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ आइए आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेपन्स जो वो पाए गए हैं और यहाँ पे कुछ मटेरियल जो वो बरामद किया गया है। आखिरकार हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह से यहाँ पे मटेरियल जो वो पाया गया है, क्या ये पाकिस्तान की कोई नई साजिश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो वो भीड़ पुलिस जो वो इकट्ठी हो चुकी है और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे मटेरियल जो वो बरामद किया गया है। और आप देख सकते हैं ये हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे सुरक्षा अभियान जो वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ यहाँ से कुछ मटेरियल जो है वो बरामद किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग जो है वो खड़े हुए हैं, पत्रकार जो वो आ चुके हैं इस न्यूज़ को कवर करने के लिए और भारी संख्या में लोग भी जहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो वो मौके पर मौजूद हो जाती है। आखिरकार क्या वजह रही है कि यहाँ पर जो वेपन्स जो वो मिले गए हैं वो अभी तक फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है, वो पुलिस की आगे की कार्रवाई में पता चल पाएगा कि आखिरकार किन वजहों से यहाँ पे जो मटेरियल वेपन्स जो वो पाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर तलाशी अभियान जो वो जारी है, अभी भी चेकिंग की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन सा यहाँ पे मटेरियल जो वो छुपा हुआ है। लगातार पुलिस के कर्मी जो वो लगातार यहाँ पे तैनात हैं और अपना कार्य जो वो लगातार कर रहे हैं वो हम आपके दिखा रहे हैं, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस तालाब से कौन कौन सी जो वो चीज़ें मिल पा रही हैं। गंदगी के साथ साथ यहाँ पे वेपन्स भी जो वो पाए गए हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस तालाब में AK-47 के 4 मैगजीन जो वो पाई गई हैं और आगे की जानकारी हम पुलिस से लेते हैं कि आखिरकार और कौन कौन से ऐसे तमाम वेपन्स जो वो पाए गए हैं इस तालाब में। और एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार कि ये मटेरियल, ये वेपन कहाँ से आए, क्या किसी के डर के मारे किसी ने यहाँ पे वेपन्स फेंक दिए चलते चलते, या फिर की कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर छोड़ते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या अपना बयान जो वो जारी करती है।